हेमरकंडल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात किया था किस तरीके से आप हेमरकंडल को ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर को समझ में नहीं आया है किस तरीके से हेमरकंडल को हमें ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारा जो कि ट्रेडर मुझे कमेंट किया था कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए और जब यहाँ पे हेमरकंडल क्लोज होगा तब क्या हम यहाँ पे बाई पोजिशन को बनाएंगे, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, टारगेट कहाँ पे लगाएंगे, और मार्केट में बहुत सारा जो कि हैमर कैंडल बनते हैं तो कौन सी हैमर कैंडल को हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन कौन सी हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इस सभी सवाल का जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और हैमर कैंडल को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखते रहिए। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट में इस तरह का हैमर कैंडल क्यों बनते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कर रहा था और सेलर यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल कर रहा था और मार्केट को यहाँ पे लगातार नीचे लेके जा रहा था और अचानक से मार्केट में यहाँ पे जो कि बहुत सारा बायर आया है और यहाँ पे सभी सेलर का यहाँ पे पोजीशन को बाई करना शुरू किया है और अचानक से मार्केट में यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस हैमर कैंडल को देख के जो प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे सेल कर रहा था वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट को बायर ने कंट्रोल किया है। तो यहाँ पे जैसे ही इस तरह का कैंडल बनते हैं तो वो सभी सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्रब करते हैं और अचानक से जो कि यहाँ पे बहुत सारा बायर आते हैं और मार्केट यहाँ पे अपसाइड रैली करते हैं। चलिए अभी समझते हैं आपको कौन सी हैमर कैंडल को ट्रेड करना है और कौन सी हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी तब भी प्रॉफिट देगा जब इस स्टॉक मार्केट में कोई बंदा लॉस करेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ना कोई बंदा इस स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे। अगर आप हैमर कैंडल को ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको देखना है कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पे लॉस करना चाहिए, तभी उस हैमर कैंडल आपका सही होगा और उस हैमर कैंडल जो कि आपको प्रॉफिट बना के देगा। आइए अभी समझते हैं मार्केट में कौन सी हैमर कैंडल को आपको ट्रेड करना है। पहला जो हैमर कैंडल है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कर रहा था और अचानक से जो कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बायर आया है और मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके गया है और एक हैमर कैंडल मान लीजिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था और अचानक से जो कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये दोनों हैमर कैंडल को आपको ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पे तीसरा जो हैमर कैंडल है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कर रहा था और अचानक से जो कि यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है और यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है और यहाँ पे जो कि बायर आया है और यहाँ पे एक जो कि सपोर्ट बनाया है, फिर जो कि यहाँ पे सेलर आया है और मार्केट ने यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था उस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक जो कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो इस हैमर कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हैं। इस हैमर कैंडल का जो नीचे है आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट स्विंग हाई तक जो कि आप अपना टारगेट को लगा सकते हैं। तो इस ट्रेड का पीछे लॉजिक क्या है तो उसको हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कर रहा था तो सेलर यहाँ पे मार्केट को लगातार नीचे लेके आ रहा था, तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है और यहाँ पे जो कि बाइंग एक्टिविटी हुआ है, तो यहाँ पे जो कि बहुत सारा जो कि बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देख के बाय किया है, बट यहाँ पे फिर से सेलर आया है और यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे जो बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे बाई किया है उस सभी का स्टॉप लॉस जो कि इसके नीचे था तो सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है और यहाँ पे जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तो बहुत सारा जो कि यहाँ पे सेलर भी आया है, तो यहाँ पे सेलर जैसे आया है तो यहाँ पे जो बायर है सभी पोजिशन यहाँ पे बाई करना शुरू किया है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से बायर एंड सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया है, तो यहाँ पे इस हैमर कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हैं। इस हैमर कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड नेक्स्ट स्विंग हाई तक आप अपना टारगेट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा जो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है जो आपको दिखाने के लिए, जो मार्केट में हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल इस तरीके से ही बनते हैं और इस हैमर कैंडल को आपको ट्रेड करना है। जैसे कि आप ये हैमर कैंडल देख सकते हैं, ये हैमर कैंडल देख सकते हैं, ये हैमर कैंडल देख सकते हैं और ये हैमर कैंडल देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर घनश्याम सर की बात करें तो उन्होंने एक जो कि वीडियो में बताया ये हैमर कैंडल बनती है ना, तो ये हैमर कैंडल आपकी अगर आपने 100 ट्रेड इस हैमर पे लिए है ना तो ये हैमर आपको 90% आपको प्रॉफिट देगी। राइट, तो मार्केट यहाँ पे सबसे पहले जो कि एक डाउनफॉल किया था और यहाँ पे एक जो कि सपोर्ट बनाया था और फिर जो कि मार्केट यहाँ पे उस सपोर्ट को ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे
ऊपर गया था, तो इन्होंने बताया कि इस हैमर कैंडल को आप ट्रेड कर सकती है। तो यहाँ पे जो कि मार्केट में यहाँ पे जो बायर आया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, उसके बाद जो कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, तो ये हैमर कैंडल सही है, इस हैमर कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर एंड सेलर पूरा पूरी ट्रैप हो गया है और नेक्स्ट हुई हाई तक जो कि आप अपना टारगेट को लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर हैमर कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे सामने जो सपोर्ट रहेगा उसको ब्रेक करके यहाँ पे ट्रैपिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बंदा लॉस करेगा तभी आपका इस स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये सब आप चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट में यहाँ पे जो सामने का जो सपोर्ट था इसको ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे जो कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस तरह का हैमर कैंडल को आपको ट्रेड नहीं करना है। जो यहाँ पे दूसरी टाइप का हैमर कैंडल आप देख सकते हैं, जो पहले सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है, उसके बाद जो कि यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस हैमर कैंडल को आपको ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हैमर कैंडल को किस तरीके से ट्रेड करना है आपको समझ में आया है, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा, और आपको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।